अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सबसे पहले तो सॉरी कहूँगा कि कल भी वीडियो नहीं आई, आज भी वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। उसकी वजह यह है कि मैं थोड़ा बीमार था और मेरे पास कंटेंट नहीं था, गेम कम खेला था तो अपलोड नहीं कर पाया। अभी सुबह से खेल रहा था गेम के, कोई अच्छा वीडियो रिकॉर्ड हो और मैं आपके लिए अपलोड करूँ, क्योंकि पब्लिक वेट कर रही है। मुझे इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, भाई गेम प्ले नहीं आया, सब खैरियत, थैंक यू सो मच अपना लव दिखाने के लिए। तो हमने वो चैनल बनाया था अनोनिमस 360, अगर आपको पता हो, सेकेंड चैनल जो बनाया था उस पर भाई कोई वीडियो नहीं डाली हो। तकरीबन 8000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच जिसने जाके वहाँ पे सपोर्ट किया। और गाइज, एक ईमेल एड्रेस है मेरा, contact@gmail.com, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है ना, Q&A करेंगे हम लोग। एक दो दिन में वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पर मैं फेस कैम के साथ, मतलब जाहिर सी बात है फेस कैम के साथ होगा। तो आपको जो सवाल पूछने हैं, अगर आप मतलब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझसे कुछ पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। अगर कमेंट में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं उस वीडियो में ऐड कर दूंगा। आप कमेंट्स में भी मुझे इसी वीडियो के कमेंट में पूछ लो मुझसे जो पूछना है, Q&A करेंगे मेरे बारे में, जो पूछना है आपको पूछ सकते हो। गेम प्ले की तरफ आते हैं। भाई अपने पास गन वन मिली नहीं पूरे कंटेनर पे, यहाँ आया तो ये भाई साहब DP लेके आ गए, मतलब मैं तो मौत के मुंह में चला गया था। मैं तो भाई मेरे तो हाथ पाँव, मैंने कर लो भाई काम हो गया, सुबह से वीडियो नहीं बन रही। इस भाई साहब को मारा, फिर मैंने काफ़ी देर वेट किया, आप देख सकते हो लाइव कम है, बहुत देर वेट किया। मैंने कहा ना गलती नहीं करनी, वीडियो बननी चाहिए भाई। तो फ्लेयर मंगवाई थी इन्होंने, ये अभी दो बंदे बचे थे लड़ लड़ के, तो अब मैंने कहा थोड़ा होल्ड करता हूँ, सही टाइम का वेट करता हूँ और सही टाइम पर जाके इनकी बैंड बजाएंगे। अब मुझे पता नहीं था उस बंदे ने इतनी दूर से मुझे स्पॉट कर लिया, और इसने भी भाई ट्राई की कि हम मौत के मुंह में चले जाएं। इसने स्प्रे दिया लेकिन मैं कवर में आ चुका था। अब इसका टीममेट को नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, ओके। तो इसको मैंने फिनिश किया क्योंकि मैं दूर था, अगर छोड़ देता तो वो पक्का रिवाइव हो जाता, तो मैंने इसलिए उसको फिनिश कर दिया और रोटेट मार दिया, अपनी पोजीशन कर दी चेंज। अब बचा हुआ इनका एक ही बंदा जो कि ड्रॉप के पीछे था, जिसने मुझे स्प्रे दिया था ऑग से। गाइस ये फ़ायदा होता है पोजीशन चेंज कर लेने का फ़ौरन से सोलो स्क्वाड में, उसको नहीं पता था मैं कहाँ और मैंने इजीली इसको मार दिया। मैं आराम से कून से निकला, आपको लग रहा होगा यार 50 अलाइव रह गए और 3 किल हैं, कैसे किल होंगे? गाइस 21 किल जाएंगे, क्योंकि अब देखना शुरू में सब्र कर लिया, एंड में सारे किल्स ही मुझे मिलने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अकल इस्तेमाल करके खेलेंगे। पचिंकी आया था क्योंकि मेरे पास फ्लेयर थी, और पहले मैंने यहाँ पे चेक किया डोर्स खुले हुए, अगर खुले होते तो मतलब बंदे होते और तभी मैं फ्लेयर चलाता, तो हाँ डोर्स जो थे वो ओपन थे, तो मैंने कहा अच्छी बात है अब यहाँ पे फ्लेयर चलाएंगे, पचिंकी का स्क्वाड आएगा। लेकिन यहाँ जो हुआ ना, इतनी फ्लेयर चली ना इस मैच में भी, देखना ज़रा, मैंने ऊपर फ्लेयर चलाने के लिए हाथ ऊपर किए ज़रा, चलो फ्लेयर चलाते हैं। उप्स, यहाँ तो पहले से फ्लेयर चल चुकी है, तो हमने कैंसिल किया अपना इरादा, हमने अपनी बचा के रखी फ्लेयर, और शायद मैं अपनी फ्लेयर यूज़ ही नहीं करूँगा इस मैच में। मुझे भी अभी याद आया, लॉल इतनी फ्लेयर मिल जाएंगी ना, इतनी लूट मिल जाएगी। अब मैंने चुप करके थोड़ा सा पीछे गाड़ी रोकी, इन लोगों को नहीं पता था कि मैं आ चुका हूँ और इनको सरप्राइज़ मिला। इसको तो मैंने फिनिश किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई रिवाइव हो वापस से। भाई ये लोग अकल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आधी पूरी अकल इस्तेमाल करो तब मार पाओगे। बॉट भैया को अपनी पड़ गई, आके टक टक करने आ गए थे भाई पास में बॉट भैया। तो हमने थोड़ी अकल इस्तेमाल की, हम यहाँ नीचे आ गए, नाला है ये वैसे तो, इसमें आ गए हम लोग ताकि कोई रश ना कर पाए सही से। और ये भाई साहब TPP लेके अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि बहुत ही गलत हो गया इनके साथ। अब याद रखना गाइस, ये वाला बंदा काफ़ी लो है, आपको पता चलेगा क्या हुआ, देखना, याद रखना इस बंदे को बस।
अभी इस बंदे ने क्या किया है, मुझे गोली मारी। ये वही बंदा था जिसको मैंने AKM से मारा और मैंने आपको कहा था याद रखने को, ठीक है। तो अगर ये हील करता तो अकल इस्तेमाल करता तो हील करता, ये वहाँ पे भागा, सारा टाइम वेस्ट किया इसने वहाँ पे भागने में। और मुझे पता है कि इसने हील नहीं किया हुआ अपने आप को, डैमेज चाहिए। मैंने 2 मॉली फेंक दी ऊपर और उस मॉली का फ़ायदा हुआ, एक टच हुई होगी मॉली इसको, मतलब काफ़ी लो था AKM से ये, और ये फ़ौरन से मर गया। पर चिंकी का स्क्वाड भी ख़त्म हुआ, अब हमें अकल इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी लूट मिल जाएगी। और मौत के मुंह में ऑलमोस्ट गए थे हम, से वापस भी आ गए, हील करेंगे। यहाँ पे ऊपर पड़ी अपनी अपनी पहली मोहब्बत AWM। तो गाइज़ अगर आप लोगों को भेजने ना मुझे अगर कोई सवाल पूछने है तो आप कमेंट में पूछ लो, उस वीडियो में ऐड करूँगा। और अगर आपको किसी और बंदे का सवाल अच्छा लगता है उसके कमेंट को लाइक कर देना। मैं मतलब जो सारे सवाल तो नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन जो ज़्यादा लाइक्स हुए होंगे ना जिस सवाल के ऊपर, मैं वो ज़रूर उठाऊँगा वीडियो के लिए। और अगर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो तो मैं लाजमी ऐड करूँगा, वो आप मुझे मेल कर देना contactwithanonymous@gmail.com, नीचे होगा वैसे डिस्क्रिप्शन में। तो वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, मज़ा आएगा, मचाएंगे उस चैनल पे। मैं जा रहा था जोन के अंदर, मिडल में जाके फ्लेयर चलानी थी अपनी, लेकिन फिर ये हुआ और फिर गलती से हमारी नज़र पड़ी आसमान के ऊपर, तो वहाँ देखा एक और फ्लेयर चली है। कोचिंगी में भी यही हुआ था, गलती से फ्लेयर नज़र आ गई थी, और यहाँ पर भी यही हुआ, गलती से फ्लेयर नज़र आ गई। फ़ौरन से गाड़ी उठाई, एंगल मतलब जल्दबाजी, डायरेक्ट नहीं जाना था मुझे, मैं ऊपर रुका। उन्होंने फ्लेयर ही अजीब जगह पर चलाई थी भाई, ऐसी जगह पर फाइट लेने मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं होता और सांप बहुत होते हैं। तो अभी मैंने चेक करने थे आप बंदे कितने हैं, मैंने सोचा मारूं हेडशॉट, लेकिन इतना टाइम मुझे मिला नहीं, मिस हो जाता। तो मैंने देखा पहले बंदे कितने हैं, स्पॉट करने की ट्राई की, ये 3 बंदे थे। और अभी देखना ज़रा इन्होंने जो दिमाग लगाया ना, उस बंदे ने मुझे स्पॉट कर लिया, बड़ी बात है। गली में था और दूर था, मैंने रिवील भी नहीं की थी पोजीशन, लेकिन उसने स्पॉट किया। अब इन्होंने क्या किया, एक बंदा फुल राइट से नीचे से आ रहा है, एक फुल ऊपर लेफ्ट से नीचे से आएगा, और एक सामने से आएगा। अभी देखो मैं इनको कैसे मारता हूँ, फिर कैसी अजीब फाइट हो जाएगी यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे अब की अकल इस्तेमाल, पेड़ के पीछे था भाई, अगर आते तो मैं कैंसिल कर देता, मैं तैयार था बिल्कुल। तो मैंने नेट किया बिल्कुल कुक करके, तो उसको टाइम ही ना मिले बचने का, और वो दिया। भाई चले गए ऊपर, अब लेफ्ट वाला देखो फ्लैंक कर रहा है, एंगल ले रहा है। गाइस ये एस का गेम प्ले है, एस टायर है ये, आपको एंड में दिखाऊंगा। अभी मैं एस पे इतने अच्छे किल किए, एस पे इतने अच्छे किल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया था। कल इस्तेमाल करके खेले तो बस सबर किया ना, 3-4 दिन अच्छा गेम प्ले मिला ही नहीं, और अब मिला तो हमने अपलोड कर दिया फ़ौरन से। थोड़ा लेट हुआ उसके लिए सॉरी, दोबारा बोलूँगा। अब इनका एक बंदा जो है ना, जो राइड से नीचे गया था, मुझे नहीं पता था वो कहाँ पर है, और मैंने गाड़ी लेके उसको ढूंढना चाहा कि देखता हूँ कहाँ पर है वो बंदा। वो बंदा इतना लंबा रोटेट करके गया था अपार्टमेंट में, ताकि अपार्टमेंट में जाए और वहाँ जाके मुझे मार सके। मैं खुद हैरान था कि इतना लंबा फ्लैंक उसने किया कि अपार्टमेंट में जाएगा इजीली, मैं दिखूंगा उसको मैं कहाँ पर हूँ, और वहाँ से मुझे इजीली वो मार पाएगा। तो गाड़ी लेके पहले मैंने इसके टीममेट को फिनिश किया, और मुझे लगा वो नूब होगा यार, इतना दूर कौन जाता है। अभी देखना उसने जो किया ना हमारे साथ, भाई एनोनिमस बन रहा था हीरो, और हमने यहाँ पे अकल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की, हील भी नहीं की, और हीरो बने चले गए। मैंने कहा ओम है, हेड दिखाएगा, मार दूंगा, लेकिन भाई उसने जो डराया ना मुझे, फिर मैंने देखा 4 सेकेंड है जोन में, मैंने कहा भाई नहीं, इससे फाइट नहीं लेते। एक तो बंदा अच्छा मार रहा है, ऊपर से जोन आने वाला है, जोन भी 1000 मीटर दूर है, तो अकल इस्तेमाल करते हैं और चलते हैं जोन के अंदर फ़ौरन से। स्मोक किया, एयरलिन मारा क्योंकि जोन का डैमेज पड़ने वाला था, और एक और बुरी चीज़ हुई, हमारी गाड़ी में हो जाएगा फ्यूल ख़त्म, इससे बुरा कुछ हो सकता है। गाड़ी उठाई, चल दिए, रेड जोन भी है देखो भाई, मतलब कभी कभी अपना लक जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है। और फ्यूल ख़त्म हो गया, जोन आ गया था, हमने भागा, पीछे फ्लेयर चली हुई थी, बगी भी खड़ी थी, तो मुझे लगा बंदे आएंगे, कट कर दिया मैंने वो पार्ट, बहुत लंबा हो जाता। तो अब गाड़ी पे आया मैं पैदल भाग के, पीछे से कोई आया नहीं, शायद जा चुके थे वो लोग किसी और कार में, और हम लोग गए जोन के अंदर। जैसे जोन में आए सामने एक बंदा, वो देखो छत पे स्क्वाड हाउस पे लेटा हुआ है, मैंने डायरेक्ट नहीं ली क्योंकि नहीं पता था दोबारा कितने बंदे हैं। और हमने अकल इस्तेमाल की, गोल्डन हाउस इसको बोलते हैं वैसे तो गोल्डन हाउस पे हम लोग आए गाइस, और उसकी छत पे जाऊंगा मैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। स्क्वाड हाउस साफ नज़र आता है क्योंकि मैं मतलब रंगल काफ़ी ज़्यादा खेलते रहे ना हम लोग, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कौन सा घर कैसा है।
और क्या तो टाइमिंग थी भाई। इनको ज़रा आइडिया नहीं था कि छत से एंगल मिलेगा, ये बस मज़े से छत पे थे कि हम तो भाई तीसरी मंजिल पे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इनको क्या पता भाई छत से साफ एंगल मिल रहा है। वो नीचे हुए थे, उनको लग रहा था नहीं पड़ेंगे गोलियां, लेकिन हमें साफ नज़र आ रहे थे वो लोग। मैंने दो नेट फेंके ऊपर फ़ौरन से, और फ़ौरन से कर दिया रश, अक्ल इस्तेमाल की क्योंकि दो नॉक थे। दो नॉक थे और जाहिर सी बात है दो नेट फेंके थे, ज़रा सा डैमेज तो पड़ा ही होगा, तो हमने रश किया, देर नहीं की और फ़ौरन से आए यहाँ पे, और बहुत अच्छी लूट मिल गई हमें दोबारा। लूट वगैरह की गाइज नीचे काफ़ी देर से फाइट हो रही थी, अभी आप खुद हैरान हो जाओगे यार, 3 किल 40 अलाइव और एकदम इतने किल मिले ना हम लोग को। अभी देखो नीचे फाइट हो रही है, तो मैंने कहा बस अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जितना सर्वाइव करना था हमने किया, अब हम किल उठाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारा लक भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और गेम प्ले भी मतलब ठीक ठाक हम लोग कर पाए 3-4 दिन बाद। हाँ रोज़ नहीं होता ये, बहुत गंदी गंदी तरह मरता भी हूँ मैं। मैं नीचे आया, मुझे लगा ये नीचे होंगे काफ़ी, लेकिन भाई जब पास में आया ना सामने स्मोक, मैंने कहा ना डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, सांप मिलेंगे, ओम है इस्तेमाल करते हैं दूर से, वैसे ही किया मैंने, ओम उठाई और इस्तेमाल करना कर दी शुरू। अब सारे पैसे ओम के यहाँ पे, मैंने बहुत गलत किया, मैं इसको हेड मार सकता था, जल्दबाजी में बॉडी मार दिया मैंने। इनको तो पता भी नहीं था हम आ कहाँ से गए, भाई सबको फिनिश किया उन्होंने, तो गाली दी होगी मुझे पक्का, गंदी गाली दी होगी उन्होंने अपनी ज़बान में, यांग योंग योंग ऐसा कुछ करके, तो इनको फिनिश किया हमने। अभी दो स्क्वाड लड़ रहे थे, काफ़ी देर से लड़ रहे थे, और अब मैं स्पॉट हो चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा मतलब क्या कर सकते हैं, स्पॉट हो गए तो दूर था काफ़ी, ऑम भी हाथ में थी। अब मुझे करनी थी पोजीशन चेंज, क्योंकि काफ़ी काफ़ी देर से एक जगह से ऑम चला रहा था मैं। मैंने क्या किया, इसको नॉक करके ना फुल दूर से रोटेट मार दिया, अब ये मैं आ चुका हूँ दूर, ये मैंने कट कर दिया। सो 200 मीटर का रोटेट मार के मैंने इनको आके फिनिश किया, और वो दूसरा स्क्वाड था उसके बाद वो एंगल नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि मेरी पोजीशन रिवील हो गई थी, और कोई रोटेट करके मुझे मार देता तो इससे अच्छा मैंने फौरन से एक जगह मैं रुका नहीं। मैं जोन में आ रहा था, इस भाई ने पीछे से जान निकाल दी एकदम से, वो शुक्र है पेड़ मेरे पास में था और कवर मिल गई, फ़ौरन से हील किया। और अभी देखना इतने पास पास में बंदे थे ना, इसलिए मैं मतलब कह रहा था आपको कि एक जगह ज़्यादा फायरिंग नहीं करनी चाहिए रुक के। वो देखो अभी भी नज़र आया था मुझे, और वो लेटा हुआ राइट में, मैंने फ़ौरन से उतरा, वो मुझे मार सकता था, लेकिन अकेला बंदा होता ना डरा होता है, अक्सर अकेला बंदा होता ना डर के खेलता है, देखा कैसे बुश में लेटा हुआ था, तो थोड़ा सा डर का फ़ायदा उठाना चाहिए कभी कभी, और वही मैंने किया, उतरा मार दिया। अभी एक चीज़ आपने नोट की यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ गाइज नोट किया करो, कि उसका जो हेलमेट था वो लेवल 3 का था, और मेरे पास अभी देखो हेलमेट और वैसे दोनों डैमेज हैं, जाहिर सी बात है उसने ड्रॉप लूट रखा है या उसने फ्लेयर मंगवाई होगी, सही है। तो हमने क्या किया, मैंने फ़ौरन से, मुझे गेम विन करना था क्योंकि वीडियो नहीं बनी थी आपको पता है 2 दिन से, तो मैंने स्मोक किया, मुझे लेवल 3 चाहिए था, लेवल 3 है तो भाई समझ लो अब काफ़ी काफ़ी हद तक सेफ हो। फ़ौरन से स्मोक किया, आया मैं ड्रॉप के ऊपर, और सॉरी बॉडी के ऊपर, अकल इस्तेमाल की थोड़ी सी, क्योंकि अब भी मौत के मुंह में जाए, अगर हम चले गए अब मौत के मुंह में तो से वापस नहीं आ पाएंगे, तो हमने कहा चलो, आया स्मोक नेड लेवल 3 की हेलमेट ऐसे उठा ली, तो मतलब अपना काफ़ी अच्छे से काम बन चुका है। सामने फाइट हो रही थी नॉर्थ ईस्ट पे, अब हमने कहा जाके उन मतलब ठीक था, मेरे पास हाइट है देख रहे हो, जितना भी जोन में एरिया है सबसे ज़्यादा हाइट पर मैं ही हूँ, तो मैंने क्या किया, हाइट का फ़ायदा उठाते हुए जंप करके देख रहा था, और मुझे एक बंदा नज़र भी आया, वो देखो पत्थर के पीछे नज़र आएगा अभी, वो रहा। और ओम भाई, ओम चलाने में अलग ही मज़ा आता है, एक बंदा जोन से मर गया था, अब बचे 2 बंदे, और गाइज आखिरी बंदा जो मरेगा ना, मैंने लाइक का बोला नहीं है, और अगर आपने किया हुआ है ना तो आई लव यू, अगर आप अभी करने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी बंदा जो मरेगा ना देखना कितना मज़ा आएगा, मुझे नहीं पता था सिंगल पे गाना एक गोली से मर जाएगा वो। भाई नहीं, ओम के आगे ऐसे नहीं करते ब्रो,
अभी पेड़ के पीछे था, जाहिर सी बात है हमें नजर आ चुका था। मैंने राइट में भी नेट किया, लेफ्ट में भी किया, डैमेज तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है नॉक नहीं होगा तो। गाइस अभी देखना, मेरी एक गोली मतलब सिंगल पे था, वो इतना लो हो चुका था, मेरी एक गोली टच इसको टक और वो मर गया। मतलब भाई मुझे खुद ऐसे ही आई थी, ये क्या हो गया। तो गाइस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अभी आप देख लेना कि एस में था ये, अभी ऊपर राइट पे भी आएगा और मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा आप लोगों को और पॉपुलैरिटी भी दिखाएंगे कौन टॉप पे कौन नहीं है। तो अगर आपने सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ईमेल करके वीडियो के जरिए कोई सवाल है तो वो पूछ लेना, मैं वो जरूर ऐड करूंगा। और सवाल जो आप कमेंट में करोगे वो भी मैं उस वीडियो में ऐड करूंगा जो मैं सेकंड चैनल पे Q&A अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ये देखो गाइस गेम प्ले था एस का, सॉरी वीडियो ट्राई करूंगा यार, जैसे गेम प्ले होता है मैं अपलोड कर देता हूँ। अभी एडिट किया, फ़ौरन से रिकॉर्ड किया था, एडिट भी अभी किया, अपलोड भी कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं हम लोग कि क्या चल रहा है भाई। ये देखो अब करियर रिजल्ट मर रहा था, मैं माइनस माइनस जा रहे थे, अभी देखो 45 प्लस हुए, ठीक है। एशिया था, एस था और ये रहे हमारे टॉप 10 के बंदे पॉपुलैरिटी में। थैंक यू सो मच गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल अगर रिकॉर्ड हो गई इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।